अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारी वीडियोस हैं जो अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं उन पर अपना फीडबैक आप दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। मजीद भी आपका जो फीडबैक है उसका हमें इंतजार रहता है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज आपसे बात जो कर रही हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिस पर बात कर रही हूँ, और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत जरूरी था कि आज मैं इस इशू पर बात करती बोलती, इस पर मेरी जो राय है उसको मैं आप तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। ख्वातीन माशरे में, ख्वातीन का मकाम, उनकी इज्जत, पाकिस्तानी सियासत के अंदर ख्वातीन का किरदार, ख्वातीन को किस तरह से वर्क प्लेस पे ट्रीट करना चाहिए, ख्वातीन को लेकर हमारा मजहब क्या कहता है, ख्वातीन के इर्द गिर्द हमारी सोसाइटल वैल्यूज क्या हैं, ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम देखते हैं कि बहुत अक्सर जेरे बहस रहती हैं। अच्छा, ख्वातीन जब भी कभी अपने हकूक के लिए बात करती हैं, कहीं पर अपनी आवाज उठाती हैं, उसके ऊपर भी बड़ी मैं देखती हूँ कि डिबेट होती है। एंड ऑफकोर्स जो डिबेट है इट गोज बोथ वेज, कुछ लोग जो है वो सपोर्ट में बात करते हैं, कुछ लोग खिलाफ बात करते हैं। जब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि ख्वातीन के हकूक को सपोर्ट करने की बात करते हैं, उनको प्रमोट करने की बात करते हैं, जो कि हमेशा जहां पर ऐसा लगता है कि ख्वातीन का कोई इशू रेज होता है या कहीं कोई ज्यादती होती है या कोई ऐसा मामला होता है, तो कुछ ऐसे लोग जो कि एकदम से सामने आते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं और बात करते हैं, उन्हीं लोगों की तरफ से अगर कभी कभार कोई इस तरह की बात, इस तरह की हरकत हो जाए जो कि लगे कि क्योंकि एक सियासी पॉइंट स्कोर करना था, क्योंकि एक सियासी इख्तलाफ है जिसको प्रोमिनेंट करना था, क्योंकि एक पॉलिटिकल बायस इतना बढ़ चुका है कि ये बात भूल गई, भूल ऐसा लगता है कि भूल गई कि कहाँ पर जाके रुकना है, और सिर्फ उस इख्तलाफ को किसी तरह से पुश करने के लिए इतना आगे चले जाना कि ना सिर्फ एक खातून के बारे में कॉमेंट करना, वजीर आजम मुल्क के जो है उनकी अहलिया पर कमेंट, जो कि फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान की, उन पर कमेंट करना, और फिर एक इतना गैर अखलाकी कमेंट करना कि मैं रिपीट नहीं करना चाहती यहाँ पे, ना मैं रिपीट कर सकती हूँ, मैं तो शायद हो सकता है कि अभी वो डिस्प्ले भी ना करूँ, वो जो ट्वीट है जो कि की गई है मालवी सरमद साहिबा की जानिब से, और मैंने जो ये तमहीद बांधी इसीलिए बांधी कि मालवी सरमद उन खवातीन में शामिल है, उस एक ग्रुप का हिस्सा है जो कि हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं वो सबसे पहले सामने आती हैं, और उनका ये क्लेम है कि ख्वातीन के हकूक के लिए जितनी भी बात करना पड़ेगी, जो भी कोई लड़ाई लड़ना पड़ेगी, वो जो है वो किसी से डरती नहीं है, वो हमेशा बात करेंगी। हमने ये देखा कि मारवी टाइम इन एंड आउट खुद भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा रही, जिसके अंदर हाफिज हमदुल्ला के साथ उनका मामला, उनका एक टेलीविजन टॉक शो के ऊपर जो उनके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, और फिर जो जबान हाफिज हमदुल्ला ने इस्तेमाल की मुझ समेत हम जितने लोग हैं हम सब ने आगे बढ़कर हाफिज हमदुल्ला पर ना सिर्फ तनकीद की बल्कि हमने मालवी को सपोर्ट किया, और उसके अंदर की शख्सियत की बात नहीं थी, अगर मालवी की जगह कोई और खातून होती हम तब भी सपोर्ट करते। वही हाफिज हमदुल्ला साहब कुछ अरसे के बाद हमारी अपनी साथी हैं, दोस्त हैं, फरिया इदरीस, उनके साथ भी कुछ उलझने की उन्होंने कोशिश की, हमने तब भी उन पर तनकीद की, क्योंकि ये मामला किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, किसी जात का नहीं, ये मामला एक जनरल ट्रीटमेंट का है कि जो आपने ख्वातीन को किस तरीके से ट्रीट करना है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उस लाइन को जब भी कोई ब्रीच करेगा अगर वो बारहवीं सरमत खुद भी होंगी तो तनकीद फिर उन पर भी होगी। अभी रिसेंटली खलीलुर रहमान कमर वाला मामला, उनके साथ जो भी गुफ्तगू टेलीविजन चैनल के ऊपर हुई, उस वक्त मैं खुद भी उसी टेलीविजन चैनल से वाबस्ता थी, हमारी एक कॉलीग है आयशा एहतशाम, उनके प्रोग्राम में वो जो एक आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ मारवी और खलीलुर रहमान कमर का, और फिर उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स के ऊपर खलीलुर रहमान कमर ने जाकर मारवी सरमत के खिलाफ बात की, औरत मार्च के खिलाफ बात की, वो साथ साथ ये भी कहते रहे कि मैं खवातीन के हकूक को प्रमोट करने वालों में से हूँ, लेकिन फिर एट द सेम टाइम ये खातून के खिलाफ गुफ्तगू करते रहे। तो अगेन मुझ समेत हमारे बहुत सारे दोस्त, मेरी कम्युनिटी, तकरीबन सभी मेरी कम्युनिटी में शामिल जो लोग हैं, हम लोग ना सिर्फ आगे आए, ना सिर्फ खलीलुर रहमान कमर पर तनकीद की बल्कि मारवी की उस मामले के अंदर सपोर्ट भी की। आज जब ये ट्वीट देखी तो बहुत अफसोस हुआ कि कोई ऐसा इंसान जो कि ये क्लेम करता है कि वो ख्वातीन से जुड़े मामलात को बहुत इन डेप्थ समझता है, उनका ये क्लेम है कि वो इन इश्यूज पर काम करती हैं, करती रहेंगी, बोलती हैं, बोलती रहेंगी, तो फिर आज क्या हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मारवी के पॉलिटिकल व्यूज हैं उससे हम सब वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ, आप भी वाकिफ हैं, पॉलिटिकल व्यूज मारवी के यही हैं कि वो बहुत ज्यादा एंटी पीटीआई बोलती हैं, वो इमरान खान की पॉलिसीज पर तनकीद करती हैं, वो हम भी करते हैं, आप मेरे कितने वीलॉग्स उठा के देखिए, मेरे माजी में किए गए जो प्रोग्राम्स हैं टेलीविजन चैनल्स के साथ आप उनको उठाकर देखिए, जहां जहां पर ये लगा कि एज अ पॉलिसी पीटीआई गवर्नमेंट
पार्लियामेंट में आकर फेल हो रही है, जहां जहां जब वो अपोजिशन में थे हमें लगता था कि वो लाइन स्टेप कर रहे हैं, ओवर स्टेप कर रहे हैं अपनी अपनी जो लिमिट है उसको, हम तनकीद करते थे, हम तनकीद करते हैं और मुस्तकबिल में भी जब कुछ इस तरह का होगा हम तनकीद करेंगे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर हो, चाहे वो किसी और जमात से ताल्लुक रखने वाली कोई शख्सियत हो। लेकिन ये बात हम क्यों भूल जाते हैं, थोड़ा सा इसको अगर ब्रॉडन करूं तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे पहले तो उनकी फैमिली मेंबर कोई भी हो, चाहे वो उनके बच्चे हैं, उनकी वालदाएं, बहन है, माँ है, बेटे हैं, बेटियां हैं, किसी को भी पब्लिक डोमेन में ड्रैग करना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपना कोई स्कोर सेटल करना है, सबसे पहले तो ये इट शुड बी अ नो गो एरिया। और फिर सबसे ऑन टॉप ऑफ दैट के खातून को ड्रैग करना, एक ऐसी खातून को ड्रैग करना जो खुद पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव होती तब भी ये एक अनकॉल्ड फॉर जुमला है, ये नहीं कहा जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं भी है, उनका कोई जिक्र नहीं है, कोई उन पर बात नहीं होती, तो फिर क्या ऐसी जरूरत पेश आई कि आज आउट ऑफ नो वेयर एक तस्वीर जिसमें आप इमरान खान पर तनकीद कर रही हैं, जरूर कीजिए, आप आर्मी चीफ पर तनकीद कर रही हैं सपोजिटली, आप जरूर कीजिए, आपने क्यों ड्रैग किया एक खातून को एक गैर जरूरी उस मामले के अंदर। मैं मालवी सरमद के बारे में एक पर्सनल नोट जरूर यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मैंने खुद जब फाइट किया माशरे के अंदर ये जो वर्क प्लेस हरासमेंट का मामला है इसके ऊपर, तो आउट ऑफ दोज वेरी फ्यू वुमेन इन द कंट्री, जिसके अंदर कुछ नाम शामिल है, शादिया मरी सरे फहरिस्त है, मैं हमेशा उनकी मशकूर और शुक्र गुजार रहूंगी, जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई और जिस तरीके से हमारे केस को वो लेकर चली, क्योंकि उन्होंने उस केस के मेरिट्स को देखा था, मैं हमेशा उनकी उनकी मशकूर रहूंगी। समन जाफरी एमक्यूएम से, डॉक्टर अजरा फजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नफीसा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, देयर इज एन एंडलेस लिस्ट ऑफ ऑल दीज वंडरफुल वुमेन आउट देयर जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, मुझे और मेरी एक कॉलीग को। और मारवी सरमद, आई रियली हैव टू से दिस हेयर कि मैं उनकी बहुत इस मामले में इज्जत करती हूँ कि शी वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट फ्यू वुमेन जो सामने ना सिर्फ आई, उन्होंने हमारे लिए स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट की, उन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई, वो सारा मामला अपनी जगह पर दुरुस्त, और मैं उसके लिए उनकी हमेशा इज्जत करती रहूंगी। लेकिन ये जो आज स्टेटमेंट उनकी तरफ से, उनके ट्विटर के ऊपर से जो ट्वीट आया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस तरह की किसी चीज को अगर आज हम कंडेम नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर हमारे अंदर भी कुछ बायसेस हैं, हम अपने इर्द गिर्द अपने सर्कल के अंदर जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हम कभी किसी बात पर किसी मौकफ के ऊपर हिमायत करते हुए दिखाई देते हैं, फिर हमारे अंदर भी ये जरूरत नहीं है कि हम इस तरह के मामलात के अंदर उन पर तनकीद भी कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि मारवी को वो एक बड़ी करेजियस, एक बहादुर खातून है, उनको अब सामने आना चाहिए, उनको इसके ऊपर जो भी वो समझती हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर उन पर तनकीद हो रही है, उनको अपना इस पर मौकफ देना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या, उनको ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की। बट हैविंग सेड दैट, ये जो एक कल्चर है जनरली खवातीन को पॉलिटिक्स के अंदर ड्रैग करने का, चाहे वो सहाफियों की तरफ से हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के ऐसे एक्टिविस्ट की तरफ से हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिशियंस की अपनी तरफ से हो, ये जो माइंडसेट है हमें इसको तब्दील करने की जरूरत है, हमें इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। अभी कुछ ही दिन पुरानी एक स्टेटमेंट जो कि बहुत सर्कुलेट करी, अली अमीन गंडापुर की, जो कि उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के बारे में गुफ्तगू की, इंतहाई क्या लफ्ज, इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू में माजत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि उन्होंने की, क्योंकि किसी भी खातून के चेहरे पर कमेंट करना, एक पब्लिक रैली में ये कहना कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वो आपका लूटा हुआ पैसा अपने चेहरे पर लगाती है और सर्जरीज कराती है, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स और बयानात हैं जो कि आपसे बात करते वक्त मजबूरी में कहने पड़ते हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो कि दोहराई भी नहीं जानी चाहिए और इनकी सिर्फ और सिर्फ कंडेमनेशन होनी चाहिए। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके जाते चले जाएं तो ये मामला खाली पीटीआई के लोगों तक महदूद नहीं है, ये मामला खाली कुछ हैंडफुल ऑफ सिविल राइट जो एक्टिविस्ट, सोशल सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होते हैं या इस तरह के लोग हैं उन तक महदूद नहीं है, ये ओवरऑल अक्रॉस बोर्ड सभी पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है। ख्वाजा आसिफ की शीरी मजारी के बारे में स्टेटमेंट एक दफा नहीं, एक दो जगह पर और भी रिपीट की, फिर उसके बाद वो उस पर अगर उनसे सवाल किया जाए, मैंने एक दो जगह पर देखा तो वो बड़ा उसको इंजॉय करते हैं, उस पर मुस्कुराते भी हैं, कोई जरूरत नहीं थी उस तरह के बयान देने की। तलाल चौधरी ने डॉक्टर फिरदौस आशिकवान के बारे में, जो कि एक बहुत मंझी हुई सियासतदान है, उनकी पॉलिटिक्स, उनका पॉलिटिकल करियर, उनकी पॉलिटिकल विजन, कोई भी चीज तलाल चौधरी के लिए मैटर नहीं करती थी, या फिर इसको अगर मैं इस तरह से कहूँ कि जो वो स्टेटमेंट्स देती हैं, जो वो पॉलिटिक्स करती हैं, तलाल चौधरी को सारी पॉलिटिक्स के अंदर कुछ नहीं मिला तनकीद करने के लिए, सिर्फ मिला तो उनका मेकअप मिला, उनका चेहरा मिला,
ख्वाजा आसिफ को शीरी मजारी की सियासत के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर कोई खराबी नहीं मिली, अगर मिली तो शीरी मजारी साहिबा की पर्सनैलिटी के अंदर कोई खराबी मिली जिस पर उन्होंने कॉमेंट किया। अली अमीन गंडापुर के पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर करने के लिए कोई डिसेंट और रीजनेबल तनकीद नहीं थी, कोई पॉलिसी तनकीद नहीं थी, कोई इस तरह का सियासी इख्तलाफ नहीं था जो वो समझते थे कि वो इस काबिल था कि एक रैली के अंदर उसके ऊपर बात करके इख्तलाफ किया जाता नून लीग से, जो कि वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के चेहरे तक जा पहुंचे। ये वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये जो माइंड सेट है ये कहाँ से आता है। सियासतदानों के पास एक दूसरे पर करने के लिए सियासी तनकीद क्या खत्म हो चुकी है कि वो दूसरे सियासतदानों के घरों तक चले जाते हैं, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं उन तक पहुंच जाते हैं, उनके चेहरों, कपड़ों, मेकअप, उनकी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और इस तरह की चीजों के ऊपर कॉमेंट करना जो है वो उनको जरूरी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि शायद बाकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो मामला है ये आज का नहीं है, ये मामला सबसे ज्यादा अगर मुल्क में किसी ने फेस किया है तो वो बेनजीर भुट्टो है। मोहतरमा शहीद जब पॉलिटिक्स करती थी तो शायद पाकिस्तान के अंदर वो जो आइडिया था खातून का बहुत ज्यादा खुलकर सामने आना, पॉलिटिक्स करना, उनके बारे में जो कुछ नून लीग की जानिब से कहा गया, जो कुछ किया गया, वो पोस्टर्स और जो कुछ बांटा गया और जो कुछ कहा गया, जो जुमले नारे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती, सब तारीख का हिस्सा है, माजी का हिस्सा है, हम सब उससे वाकिफ हैं। लेकिन ये एक बहुत ही एक नेगेटिव कल्चर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आया जो कि आज तक जारी है, जो वहां से शुरू हुआ था उसका सामना बीच में भी बहुत सारी खवातीन को करना पड़ा होगा, आज तक जो है वो खवातीन जो कि इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर हैं वो कर रही हैं, जहां पर बुशरा बीबी को बार बार बीच में घसीटा जाता है, उनको रिसेंटली कुछ जादू टोने के साथ भी एसोसिएट किया गया और कहा गया जी कि वहां से जाके जादू करवा ले। अगेन एक खातून को किसी भी वजह से पॉलिटिक्स के अंदर और पब्लिक डोमेन के अंदर इसलिए ड्रैग किया जाए क्योंकि आप उसके हस्बैंड, बेटे, भाई से कोई स्कोर सेटल, बाप से या कोई भी और मेल फैमिली मेंबर उसे कोई स्कोर सेटल करना चाहते हैं, आपका उसके घर के किसी मेल मेंबर के साथ कोई सियासी इख्तलाफ है या फॉर दैट मैटर आपका उसके अपनी जात के साथ कोई सियासी इख्तलाफ है, तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और जब हम ये बात मैंने इसलिए कर रही हूँ कि क्रॉस बोर्ड हर पार्टी के अंदर हम ये चीज विटनेस करते हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने भी मरियम नवाज के बारे में उनके चेहरे पर कॉमेंट किया, उसके बाद एक चीज जो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट एक ट्रेंड की फॉर्म में सामने आती है वो है जी के मरियम नवाज को नानी कहकर बुलाना और एक उसको पता नहीं कोई एक डेरोगेटरी अंदाज में उनको नानी कहने की जो एक कोशिश है, उनकी उम्र को बार बार बीच में लेकर आना कि तुम्हारी उम्र इतनी है लेकिन क्योंकि लगती नहीं हो, इस किस्म की गुफ्तगू, ये सारा कुछ अनकॉल्ड फॉर है। जो लोग मरियम नवाज को नानी कह रहे हैं, क्या उनकी अपनी कोई नानी नहीं थी? क्या उनकी पार्टी के अंदर कोई और खवातीन नहीं है जो कि नानी दादी हो सकती हैं? क्या वो खुद नाना दादा नहीं है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें बैठकर सोचने की जरूरत है कि इस कल्चर को हमें किसी तरीके से कंडेम करना है, क्योंकि जब टॉप पर पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह की बातें करती हुई दिखाई देती है तो ये सारी चीजें ट्रिकल डाउन करती हैं सोसाइटी के अंदर और फिर सोसाइटी बहुत सारे ऐसे मामलात को खवातीन से जुड़े हुए एक नॉर्मल बात समझ लेती है, एक नॉर्म बना लेती है कि खातून है तो उसके बारे में कोई कॉमेंट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसके बारे उसके साथ कोई छोटी मोटी नाजेबा हरकत वर्क प्लेस पे कर देना ये कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जब उनको सुनते हैं कि वो इतना कैजुअली खवातीन के बारे में जब दिल चाहता है कुछ भी कहकर गुजर जाते हैं तो उसको एक नॉर्म समझा जाता है। और हरासमेंट एंड वर्क प्लेस का जो लॉ है उसके मुताबिक किसी खातून को इस तरीके से देखना भी कि जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे हरासमेंट के जुमरे में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में जो मर्द हजरात हैं वो ये बात समझने से कासिर है। इस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हम जलसों और रैलीज में सियासत को छोड़कर खवातीन पर अगर बात करेंगे, अगर जो मारवी सरमद साहिबा जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी पर, सोशल इश्यूज पर लिखना छोड़कर इस तरह के कॉमेंट्स पास करने को तरजीह देंगी और समझेंगे कि इसके अंदर कोई खराबी नहीं है, तो एक आम बैंक मैनेजर जो कि F10 की एक बैंक की ब्रांच में बैठा हुआ है वो एक खातून को फिजिकली हरास करने के अंदर भी कोई खराबी नहीं समझेगा। फिर हम उसको किस चीज पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं? हमें एज अ सोसाइटी फ्रॉम द टॉप इस मामले को फिक्स करने की जरूरत है। हम किसी भी छोटी से छोटी चीज को अगर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे खवातीन के खिलाफ तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होकर ट्रांसलेट होंगी हमारे माशरे के अंदर और वो हमें इस तरह की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खराबियों की सूरत में अपने इर्द गिर्द दिखाई देंगी। मेरा ख्याल है कि हम सबका इसके अंदर किरदार है कि जब इस तरह की कोई बात हो इस पर तनकीद भी करें, आगे बढ़ें, अपना मौकफ दें और जो लोग इस तरह के काम करें उनको कंडेम करें, और जब कंडेम किया जाए तो उन लोगों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सामने आकर अपनी जो गलती है उसका कोई अजाला करें।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो मामला है ये कभी भी फिक्स नहीं होगा। जब तक इन इश्यूज को हम इशू नहीं बनाएंगे तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। वो जो एक निजी बैंक है उसके ब्रांच मैनेजर की वीडियो वायरल होने के बाद जो है फाइनली उस ब्रांच में काम करने वाली बहुत सारी खवातीन, मैं समझती हूँ कि उनकी जिंदगी आसान हो गई होगी, क्योंकि उससे पहले मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो नहीं बोल सकती होंगी। एंड आई एम श्योर कि जो शख्स एक दफा ये काम कर सकता है उसने पहले भी बहुत दफा ये काम किया होगा, लेकिन क्योंकि एक वीडियो बनी वो वायरल हुई तो फाइनली एक्शन हुआ। इसी तरीके से हमें उठना होगा, आवाज उठानी होगी, इस तरह के रवैयों को सोशली कंडेम करना होगा ताकि इनको रोका जा सके। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।